लंबे समय से नर्मदा संरक्षण को लेकर आंदोलन कर रहे समर्थ भैया जी, सरकार व नर्मदा भक्तों का गुस्सा फूट पड़ा। नर्मदा नदी में खुलेआम हो रहे अवैध रेत उत्खनन, भूमाफियाओं द्वारा नर्मदा भूमि पर अवैध कब्जा कर इमारतें बनाने व प्रशासन द्वारा कार्यवाही न करने को लेकर सिविक सेंटर में प्रदर्शन करते हुए भूमाफियाओं पर कार्यवाही की मांग की गई। इस दौरान प्रदर्शन में सैकड़ों नर्मदा भक्त नर्मदा मैया के जयकारे लगा रहे थे। वहीं सिविक सेंटर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया था, लेकिन भैया जी सरकार व नर्मदा समर्थक कार्यवाही को लेकर कलेक्टर कार्यालय कूच करने लगे। इस दौरान नर्मदा भक्तों को पुलिस ने रोकने का भरपूर प्रयास किया। कई नर्मदा भक्तों को पकड़कर पुलिस वाहनों पर बैठाया गया। इस दौरान पुलिस व नर्मदा भक्तों में झड़प भी हुई। बावजूद इसके समर्थ भैया जी सरकार नर्मदा संरक्षण शिव यादव व सैकड़ों कार्यकर्ता पैदल मार्च करते हुए कलेक्टर कार्यालय के बाहर पहुंच गए। वहीं कलेक्टर कार्यालय को छावनी में तब्दील कर दिया गया, जहां भैया जी सरकार व सभी नर्मदा भक्त गेट के सामने धरने पर बैठ गए और कलेक्टर को बाहर आने की मांग करने लगे। अंध जो है निर्माण, अंधाधुंध जो है, जैसे शरीर किसी व्यक्ति के शरीर की नसों को काट दे तो थोड़ी देर के बाद वो व्यक्ति मर जाएगा। हमने शासन को आगाह किया था कि हमारी जिंदगी के साथ खेलने वालों को आप सख्त कार्रवाई करें, उन पर प्रतिबंध लगाएं जो लाखों करोड़ों जिंदगी के साथ खेल रहे हैं। कई वरिष्ठ अधिकारियों ने समर्थ भैया जी सरकार को अपना ज्ञापन और शिकायत अंदर जाकर देने की बात कही। इसके बावजूद भी भैया जी सरकार अड़े रहे और अपने नर्मदा भक्तों के साथ धरने पर बैठे रहे। काफी समय बीत जाने के बाद भी जब कलेक्टर कर्मवीर शर्मा नहीं आए तो भैया जी सरकार अपने कुछ भक्तों को लेकर कलेक्टर कर्मवीर शर्मा से मिलने पहुंचे और उन्हें ज्ञापन देते हुए भूमाफियाओं के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की। कोरोना महामारी के बीच कई लोगों द्वारा न ही मास्क लगाया गया था और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। सैकड़ों लोग भी भीड़ जमा होने से बावजूद भी प्रशासन नर्मदा भक्तों के सामने बोना साबित नजर आया। 144 धारा का खुलेआम उल्लंघन किया गया। वहीं कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने कहा कि पूरे मामले की टीम उच्च अधिकारियों की टीम गठित करते हुए वास्तु स्थिति का जायजा लिया जाएगा और जो भी जांच में दोषी पाया जाएगा उससे विधिवत कार्यवाही उस व्यक्ति पर की जाएगी। आदेशों की अवहेलना और शासन प्रशासन के दिशा निर्देशों की लगातार जो है मां नर्मदा के पद पर अवहेलना, वो दबंग पूंजीपति माफिया और दयोदय जैसी संस्थाएं कर रही है और वो मां नर्मदा के प्राकृतिक जल संरचनाओं को रोज जो है मिटाने का काम कर रहे हैं, कॉलोनियां और होटल बनाने का काम कर रहे हैं। आज हमने माननीय कलेक्टर महोदय को नर्मदा भक्तों ने जो है ये कि उन पर प्रतिबंध करके और उन पर कार्रवाई की जाए और उनकी सामग्रियों को राजसाज किया जाए। यदि ये दो दिन के अंदर जिला प्रशासन यदि पूंजीपति दबंग और माफियों पर यदि कार्रवाई और प्रतिबंध लगाने का यदि वो कार्य नहीं करते हैं तो फिर नर्मदा भक्त जो है वो आंदोलन के लिए तैयार होंगे और हम अपने जीवन की रक्षा के लिए जैसे संविधान ने और धर्म ने अधिकार दिया है तो वो लाखों और करोड़ों की जिंदगी को बचाने के लिए, अपने जीवन को बचाने के लिए हम फिर बाध्य होंगे। और जिस प्रकार आज नर्मदा भक्तों के ऊपर लाठीचार्ज होते हैं और नर्मदा और गौ भक्तों की सेवा पर प्रतिबंध लगाया जाता है, ये प्रतिबंध तत्काल हटाए जाएं और जिस प्रकार भक्तों पर यदि लाठीचार्ज होती है तो फिर वो माफिया और पूंजीपति दबंगों पर जो है उनको नर्मदा के तटों से भगाने का काम करें, नहीं तो नर्मदा भक्त स्वतंत्र है। अपन में कुछ तथ्य उन्होंने बताए हैं, उस तथ्य की हम जांच वगैरह करवाएंगे वरिष्ठ टीम के माध्यम से और जहां भी नियम के विरुद्ध कार्रवाई होगी वहां कार्रवाई करेंगे। सर लगातार शिकायतें आ रही, रेत उत्खनन की जानकारी आ रही, खनिज विभाग को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं कि निष्क्रिय है, किस तरह से एक्टिव करेंगे? नहीं, अभी हाल ही में नए अधिकारी आए हैं, पूर्व अधिकारी का ट्रांसफर हो चुका है, नए अधिकारी एक्टिव हैं
और वो कार्रवाइयाँ अपने स्तर पर कर रहे हैं, लेकिन अभी संज्ञान में आया है, आज ही संज्ञान में आया है, तो हम इसमें तथ्यों को एक बार देखेंगे कि क्या बंदूक उठाए गए हैं और उनमें फैक्चुअल ग्राउंड में क्या रियलिटी है, ये भी देखना जरूरी है। ये भी देखना जरूरी है कि कौन व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपसी लड़ाइयों के कारण ऐसी स्थिति बन रही है। जो भी स्थिति होगी, वस्तु स्थिति होगी, जिला के वरिष्ठ अधिकारियों की टीम बनाकर हम उस वस्तु स्थिति का समुचित अध्ययन करेंगे और अध्ययन के आधार पर जो गलत होगा उसका कार्रवाई। सर, COVID-19 के चलते हुए काफी लोगों ने मास्क नहीं लगाया था और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ था, क्या इस पर कार्रवाई होगी सर? हाँ, कार्रवाइयाँ लगातार सीधी बीमारियाँ परोसी जा रही है ना सर, सीधी बीमारियां पर उसी जा रही इस तरीके से। आज के जो ज्ञापन देने आए थे उन्होंने भी मास्क लगाया था, तो हमने हमारे सामने उनको खड़ा करने के निवेदन किया, मास्क लगाने के लिए कहा गया और शुरुआत में उन्होंने विरोध किया, लेकिन उसके बावजूद भी फिर हम मास्क उनसे लगवाया गया, सोशल डिस्टेंसिंग बनाया गया, यही हम करते हैं। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि ये हर व्यक्ति का दायित्व है, हर व्यक्ति का दायित्व है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे और मास्क अनिवार्यता लगाए, क्योंकि ये केवल एक व्यक्ति का नहीं है, ये पूरे समाज से जुड़ा हुआ है। तो सर, कोई लाठीचार्ज की भी सूचनाएं मिल रही वहाँ से? मुझे जहाँ तक सूचना प्राप्त हुई है ऐसी कोई पुलिस ने बताया है कि ऐसी कोई लाठीचार्ज नहीं है। सर, सालों से देखा जा रहा है जबलपुर शहर में रेत उत्खनन हो ही रहा है, तो सर इस पर कड़ी कार्रवाई तो होनी चाहिए, मांग तो गलत नहीं है। रेत उत्खनन की का ये देखना जरूरी है कि वो लीगल हो रहा है या इनलीगल हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने टेंडर भी किए हैं, यहाँ पर कई रेत खदान लीगल रेत खदाने हैं और उन रेत खदानों के लीगल रेत खदानों के कोई टेंडर होल्डर भी है जो रॉयल्टी जमा करा रहे हैं और वो अपना रॉयल्टी जमा करा कर रेत उत्खनन करके और मार्केट में दे रहे हैं। लेकिन यदि कहीं अवैधानिक रूप से हो रही है तो वहाँ हम जांच करके और सख्त कर रहे हैं। थैंक यू सर। पोस्टर न्यूज के लिए जबलपुर से रोहित नायर की रिपोर्ट।